देखिए बच्चों, अभी तक पिछले वीडियो में हमने ये सब पढ़ा कि भाई फोकल लेंथ फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या मिला, कन्वर्जिंग क्या है, डाइवर्जिंग क्या है। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस बात पे फोकस करते हैं कि हमारा फोकल लेंथ और ये फोकस मिरर जो से जो इमेज बनता है वो इमेज बनने के पीछे कारण क्या है, कुछ नियम भी है। सीधी सी बात है, ये दुनिया है, दुनिया में कोई भी काम ऐसा है कि बगैर नियम से होता है? आप भी नियम से ही मानते हो, सुबह उठते हो बगैर टूथब्रश किए खाना खाने बैठ जाते हो, बैठोगे मम्मी आके देगी दो रैप्टा खच फटाफट चलो। तो हम नियम की बात करते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जब हम बात करते हैं बेटा, सपोज ये मिरर का हमारे पास सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है, एंगल आई एंड एंगल आर, दिस इज योर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे। सी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट बेटा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, एंड सेकेंड, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई मीन्स व्हाट, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर मीन्स व्हाट, रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल आई एंड एंगल आर इक्वल, बट आई इंसिडेंट एंगल, विच एंगल, हाउ यू कैन डिफाइन द इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ भी हो घबराने की जरूरत नहीं, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक ही बात हुआ। लेकिन अब ये रे को तो भी आपको पता होना चाहिए ना, रे को डिफाइन कैसे करेंगे, द रे विच इज इंसिडेंट एट मिरर फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट is called incident ray. Incident ray, that means the ray which is incident at mirror from luminous object is known as incident ray, and the ray which is bounced back after striking the mirror is called reflected ray. Is called reflected ray. And the perpendicular on the point of incident, the perpendicular on the point of incident is called normal. बेटा जो luminous object से हमारे mirror के incident point पे टकराने वाला, यानी mirror के उस point पे आने वाला ray को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, टकरा के वापस जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इन पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
यानी जहां पर जिस पॉइंट पे ये टकराया है इंसिडेंट रे, उसके ऊपर जब हम नॉर्मल डालते हैं यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, उस रे को कहते हैं हम लोग नॉर्मल, हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब भी जो बिल्कुल लंब हो, सीधा हो, 90 डिग्री का एंगल हो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो पॉइंट हुआ, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम लोग कुछ रूल की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके?